सब्सक्राइब कीजिए कोड फ्लुएंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पाइथन में लिस्ट मैनिपुलेशन क्या है उसके बारे में बताने वाला हूं और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, यहाँ पे मैं फर्स्ट मेरा पाइथन आईडीएली ओपन कर लेता हूँ। आप पाइथन आईडीएली और पाइथन का ये जो कमांड प्रॉम्प्ट जैसा है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। कमांड लाइन लैंग्वेज टाइप का है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, उसका नाम मैं दे रहा हूँ वाई। और मैं लिस्ट में चार पांच एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, ए बी सी और डी। अभी हम लिस्ट मैनिपुलेशन क्या होता है, मतलब कि आप लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसको हम लिस्ट मैनिपुलेशन बोलते हैं। मतलब कि मैनिपुलेट आप कर सकते हो कुछ भी डेटा को, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऐसा कुछ भी आपको करना हो तो उसके लिए लिस्ट मैनिपुलेशन एक वर्ड है। तो हम यहाँ पे जो बी है उसको हम बी वन करना हो तो हमको यहाँ पे ये जो आपने वेरिएबल डिफाइन करना है वो वेरिएबल का नाम और जो आप वर्ड मॉडिफाई करना चाहते हो और रिप्लेस करना चाहते हो वो वर्ड की इंडेक्स क्या है। मतलब कि स्टार्ट हमेशा इंडेक्स जीरो से ही होती है, मतलब कि ये ज़ीरो और वन, तो यहाँ पे मैं उसकी इंडेक्स दे रहा हूँ वन। और बी के अलावा आपको उसको किस वर्ड से आपको रिप्लेस करना है, मुझे अभी करना है बी वन और प्रेस एंटर। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ वाई, तो ए बी वन सी एन डी, ये यहाँ पे सिंपली आ गया। ये आपको बहुत ही ईजी है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है और यूज़र फ्रेंडली बहुत है। मतलब कि सी की तरह आपको मॉडिफाई ऐसा कुछ करना हो तो वहाँ पे वो बहुत टफ हो गया था, यहाँ पे ये सिंपली ईजी है। अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी टू जैम और मैं यहाँ पे तो दो तीन वर्ड डाल रहा हूँ, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में ई एंड एफ। मतलब कि यहाँ पे टू के बाद ज़ीरो वन टू, यहाँ पे हम प्रेस करके देख लेते हैं और यहाँ पे हम सिंपली वाई, यहाँ पे वो आप देख रहे हो तो यहाँ पे टू के बाद जो भी है वहाँ पे वो रिप्लेस हो गया है। मतलब कि ए ज़ीरो से स्टार्ट हुआ वन और टू थ्री, टू के बाद हमने उसका एंड नहीं दिया है तो वो पूरा का पूरा ले लेगा। यहाँ पे अभी तीन चार और कैरेक्टर एलिमेंट होंगे तो उसको भी कवर कर देगा। तो यहाँ पे सी और डी को रिप्लेस हो गया ई और एफ से, मतलब कि हमारा जो फाइनल आउटपुट है ये इस तरह है, ए बी वन ई एंड एफ। अभी हमको वो प्रिंट करना हो तो आप प्रिंट फंक्शन का भी यूज़ करके प्रिंट कर सकते हो और ऐसे डायरेक्टली भी आप वेरिएबल का नाम लिख के भी आप प्रिंट कर सकते हो। अभी मुझे डिलीट करना हो कुछ भी तो सिंपली आपको टाइप करना होता है डी एल आपका वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम और वो किस लोकेशन पे है, मतलब कि पोजीशन कौन सी है। तो अभी मुझे बी वन को डिलीट करना हो तो ज़ीरो और वन, तो वो वन लोकेशन पे है तो मैं यहाँ पे एंटर दे देता हूँ तो वो बी वन अभी रिमूव हो गया, डिलीट हो गया है। अभी मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ, प्रिंट वाई ए ई एफ और फाइनली बी डिलीट हो गया, बी वन डिलीट हो गया। अभी यहाँ पे आपको कुछ बहुत दो चार आपको एलिमेंट डिलीट करना हो, कैरेक्टर डिलीट करना हो तो आप सिंगल लाइन भी आप कोड लिख सकते हो, मतलब कि एक लाइन में आपको कमांड आपको लिख सकते हो, तो उसके लिए इस टाइप का सिंटेक्स है डी ई एल, वो तो सेम ही फंक्शन है डिलीट के लिए, डी ई एल देन सॉरी फॉर इंटरप्ट डी ई एल देन। अभी हमको
किस लोकेशन पे इसे डिलीट करना हो, मतलब कि टू पे हमको डिलीट करना है, ई को डिलीट करना है, 012 सॉरी एफ को, एफ यहाँ पे आएगा, और सॉरी मैं मेरा फोन साइलेंट में ही रख देता हूँ। हमको तो इसको डिलीट करना हो, और यहाँ पे आपको यहाँ पे दूसरी कमांड लिखनी हो तो आपको ये सेमी कोलन से उसके सेपरेट कर देते हो, सेपरेट कर सकते हो, और वन लाइन में आप कमांड लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं फिर से डिलीट फंक्शन का यूज़ करके और एक एलिमेंट को डिलीट कर रहा हूँ, उसका नाम है वाई, वेरिएबल का नाम है वाई, और वो कौन सी लोकेशन पे है, तो जो 012, अभी मैं इसको 1 को डिलीट कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे मुझे वाई लिखना होगा, वाई, और ये फाइनल डिलीट हो गया है। अभी हम उसको प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट वाई, ये फाइनली ये डिलीट हो गया है। अभी मैं यहाँ पे एक्सटेंड करने हो, हमको ऐड करना हो कुछ भी एलिमेंट को, तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे? अभी सिर्फ यहाँ पे ए ही है, तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, y1 इक्वल टू y प्लस, आपको कुछ भी एलिमेंट आपको ऐड करना हो, मतलब मुझे b ऐड करना है और c ऐड करना है, मतलब कि एक और वेरिएबल लेके उसको यहाँ से, और जो पिछला हुआ जो जो दूसरा एलिमेंट था उसको यहाँ से हम उसको स्टोर कर रहे हैं y1 में, और यहाँ पे y1 और सॉरी y प्लस जो हमारा एक न्यू एलिमेंट है जिसको हमने अभी डिफाइन किया, वो यहाँ से हम ले लेते हैं और प्रिंट कर लेते हैं y1 को, सॉरी। प्रिंट कर लेते हैं y1 को, तो यहाँ पे y1 में abc आ गया, और y में क्या है, y में सिर्फ a ही है, क्योंकि एक क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे ए ही है, हमको हमने y में ऐड नहीं किया, y1 एक न्यू वेरिएबल लिया, उसके अंदर ये सारा डेटा y1 में स्टोर किया है, तो ये सारा स्ट्रिंग सॉरी लिस्ट मैनिपुलेशन के बारे में था। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो पाइथन के, अभी मैं पाइथन की सीरीज बना रहा हूँ, तो इस टाइप के पाइथन के वीडियो और न्यू फंक्शंस, उसकी लाइब्रेरी पैकेज, उसके बारे में आपको अपकमिंग वीडियो मिलते रहेंगे। सो जुड़े रहिए कोड फ्लुएंट के साथ। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द वीडियो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।